नमस्कार, दखल न्यूज की एडिटर्स वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कोरोना ने पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती पैदा की है, दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। आज एक अदृश्य दुश्मन के रूप में कोरोना ने लोगों को अंदर से भयभीत कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के सभी लोगों ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ कोरोना के विरुद्ध संघर्ष किया, उससे लड़ाई जारी रखी और आज उसके भय से निकलकर काफ़ी आगे हम निकल आए हैं। हमारे बहुत सारे जो कोरोना संक्रमित साथी थे वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं। बहुत सारे साथी अपनी जान भी गंवाए, उनका हमें अफसोस है, उनका हमें दुख है, लेकिन एक ऐसी जो चुनौती हमारे सामने आई थी उससे हमारे सभी देशवासियों ने मिलकर जो संघर्ष किया वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा संकट टला नहीं है। हमें सावधानी रखनी है, हमें अपने आप का भी बचाव करना है, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने समाज के लोगों का भी बचाव करना है और ऐसा करके हम अपने देश को, दुनिया को भी बचा पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम कोई भी लापरवाही, क्योंकि निश्चित रूप से जब देश की अर्थव्यवस्था की बात आती है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात आती है, तो हमें बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिसमें हमें सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। आज हमारे बहुत सारे उद्योग, हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम, हमारे बहुत सारे जो शासकीय दफ्तर हैं वो सब खुल गए हैं, काम कर रहे हैं। एक आत्मविश्वास के साथ सभी साथी हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पर लगातार ध्यान रखना है कि हम सावधानी के साथ काम करें। आज भी हमें मास्क पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जिसमें हम 2 गज की दूरी बनाए रखने की बात करते हैं, हम लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें या साबुन से हम धोते रहें और ध्यान रखें कि 20 सेकंड तक हम लगातार हाथ धोएं, हमें उंगलियों के बीच में, अंगूठों के बीच में उसमें सफाई करते रहें और साथ ही साथ हम कोशिश करें कि हम अपने आप को बचाने के साथ साथ दूसरों को भी लगातार इस बात के लिए कहीं ना कहीं समझाते रहें, उनको तैयार करते रहें कि वो सावधानी रखें और अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा के रखें। और ख़ास तौर से हमें अपने परिवारजनों में जो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, हमारे 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी देखभाल की विशेष आवश्यकता है और अगर उनको कोई बीमारी है तो उसके विशेषज्ञ डॉक्टरों से उनका इलाज कराते रहें। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उनको हल्के व्यायाम, पौष्टिक भोजन उनको देते रहें और जरा भी हमें कोई सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हम तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, इसमें कहीं कोई लापरवाही हम न करें, क्योंकि अगर समय पर इलाज मिलता है तो ये सब बात हम जानते हैं कि कोरोना से बचा जा सकता है। इसलिए मैं आप सभी से एक बार फिर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लड़ें, डरें नहीं, सावधानी रखें, अपने व्यवहार में बदलाव रखेंगे तो हम बचाव रख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ें, इसमें हम अपनी भूमिका तलाश करें, यही हमारी सबकी कामनाएं होनी चाहिए। मैं दखल न्यूज़ के संपादक अनुराग उपाध्याय जी और उनकी सहयोगी शेफाली जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एडिटर्स वाइज के नाम से एक जो सेगमेंट शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है और सामाजिक मुद्दों पर संदेश देने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो दोनों बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं उन दोनों को शुभकामनाएँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।